नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, आज हम एक माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो लेकर आए हैं, जो कि 24 अप्रैल 2023 को आई थी, जो कि क्रिमिनल अपील नंबर 1251 ऑफ 2023 से जो कि अराइजेज हुई थी स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल 5198 ऑफ 2023। तो दोस्तों, इसमें जो अपीलेंट है और वर्सेस रेस्पॉन्डेंट है, यहाँ पर अपीलेंट है वो एक डिसीज्ड की एक डॉटर है, जो कि जो डिसीज्ड थे वो जो चीफ मिनिस्टर थे, जो आंध्र प्रदेश के जो अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर थे उनके ब्रदर थे, वो मृत अवस्था में पाए गए अपने घर पे। और फिर इसके बेसिस पे एक इन्वेस्टिगेशन थी, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी वो गठित की गई थी। लेकिन जो अपीलेंट की डॉटर ने एक पिटीशन डाली थी हाईकोर्ट में कि केस को ट्रांसफर कर दिया जाए फ्रॉम SIT से CBI के पास। CBI ने अपनी फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी और केस रजिस्टर्ड किया था और इसमें 5-4 रिस्पॉन्डेंट्स हैं और बाद में एक और रिस्पॉन्डेंट को ऐड किया था और इनको अक्यूज बनाया था और चार्जशीट थी वो फाइल की थी। और इस दौरान फिर अपीलेंट की डॉटर ने, सॉरी जो अपीलेंट है उन्होंने, जो कि डॉटर थी डिसीज्ड की, उन्होंने एक पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल की कि उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए फ्रॉम आंध्र प्रदेश की जहाँ स्पेशल कोर्ट थी CBI की, वहाँ से ट्रांसफर करके जा तो हैदराबाद या फिर दिल्ली भेज दिया जाए। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केस को हैदराबाद में ट्रांसफर कर दिया था। इस दौरान CBI ने जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट को ऑफिस में बुलाया और उसके दौरान उन्होंने जो कई डेट्स पर बुलाया और फिर फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ने भी रिट पिटीशन थी वो फाइल की थी हाईकोर्ट में। और हाईकोर्ट ने जो प्रोसीडिंग्स के दौरान जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो उस पर एक डायरेक्शन दी थी कि कोई कोर्ट से स्टेप्स ना लिए जाएं और साथ में ये डायरेक्शन दी थी कि एक जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक क्वेश्चनेयर फॉर्म में दी जाए, प्रिंटेड और रिटन फॉर्म में दिया जाए और इसके बेसिस पे और साथ में हैंड ओवर कर दिया जाए रिस्पॉन्डेंट को। अब उससे एग्रीवेट होकर फिर से अपीलेंट ने यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आगे अपील फाइल की थी। आइए देखें अब इसमें जजमेंट में क्या निर्णय दिया था माननीय सुप्रीम कोर्ट में और उसके थोड़े से लीगल और फैक्चुअल कंटेंट्स को भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये अपील थी वो अराइज हुई थी 18 अप्रैल 2023 की, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ तेलंगाना और जो क्रिमिनल पिटीशन नंबर 100 थी, जिसमें हाई कोर्ट के निष्पक्ष जो एक एप्लीकेशन थी एंटीसिपेटरी की बेल की, जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ने डाली थी 438 CRPC में। अब यही बताया कि जो डिसीज थे वो एक मर्डर पाए गए थे अपने घर पे और नाइट में और 14-15 मार्च 2019 के, जो कि एक ब्रदर थे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अनडिवाइडेड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। और कंप्लेंट लॉन्च की गई थी और जिसकी वजह से एक रजिस्ट्रेशन हुई थी क्राइम नंबर 100 के और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम थी गठित की गई थी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि हेडेड बाय AD एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस CID। और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम रिकॉन्स्टिट्यूट की गई 13 जून और 10 अक्टूबर 2019 को। अपीलेंट थी जो कि इस केस में जो अपीलेंट है वो डॉटर है डिसीज्ड की और उन्होंने एक पिटीशन हाईकोर्ट में डाली थी कि ट्रांसफर की जाए इन्वेस्टिगेशन को CBI को। और 11 मार्च 2019 को हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी कि CBI जो है वो कंडक्ट करें फुल इन्वेस्टिगेशन को और जो भी पुलिस स्टेशन का नाम है वो बताया गया। और CBI ने रजिस्टर्ड किया क्राइम नंबर 100 और 9 जुलाई 2020 को। अब इसके बाद 4 लोगों को अक्यूज्ड बनाया गया और उन पर चार्जेस लगाए गए 302, 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के। और चार्जशीट सबमिट की थी और जिसमें फादर थे और 2 अदर पर्सन थे और फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट के थे, फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट के फादर थे और 2 अदर पर्सन थे। और एक CBI ने 17 नवंबर 2021 को अरेस्ट किया एक और व्यक्ति को और उनको अक्यूज्ड ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट में अक्यूज्ड नंबर 5 बनाया। अब डेंजर था कि विटनेसेस का और फॉल्स कंप्लेंट ऑफिसर्स ऑफ द CBI के अगेंस्ट ना डाली जा सके, इसलिए केस को ट्रांसफर कर दिया गया। ट्रांसफर के लिए एक एप्लीकेशन फाइल की, मतलब पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में और केस को कहा कि स्पेशल कोर्ट जो आंध्र प्रदेश में जो है वहां से ट्रांसफर कर दी जाए CBI इन हैदराबाद और दिल्ली और साथ में इन्वेस्टिगेशन है वो टाइम बाउंड मैनर पर कर दे। और केस को ट्रांसफर कर दिया गया था हैदराबाद में और CBI ने पहला समन इशू किया था फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट को 23 जनवरी 2023 को और कई ओकेशंस में बुलाया गया। फिर उसके बाद रिट पिटीशन थी वो फाइल की हाई कोर्ट में और CBI से सारा रिकॉर्ड मांगा गया कि और साथ में डायरेक्शन थी कि कोई भी कोर्ट से स्टेप्स ना लिए जाए फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट के। और इसके बाद
17 मार्च 2023 को हाईकोर्ट ने डिस्पोज कर दी इंटरिम एप्लीकेशन और साथ डायरेक्शन दी कि वो साथ में कह दिया कि वो स्टे नहीं लगा सकते एग्जामिनेशन को फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट को, लेकिन एडवोकेट की प्रेजेंस पे वो एग्जामिन किए जाएं। फिर इसके बाद सीबीआई ने एक दूसरे अक्यूज को अरेस्ट किया, फिर फादर को भी अरेस्ट कर लिया और सीबीआई ने नोटिस दिया फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट को 16 अप्रैल 2023 को। फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट ने आप यहाँ एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई 18 अप्रैल 2023 को और यहाँ पर डायरेक्शन दी कि फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट है वो 19 से लेकर 25 अप्रैल 2023 तक आएंगे और क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है प्रिंटेड और रिटन फॉर्म में दिए जाएंगे एंड ए क्वेश्चन एवर जो है वो हैंड ओवर भी किया जाएगा फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट को। और साथ में डायरेक्शन दी कि वो फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट को अरेस्ट नहीं करेंगे और प्रोसीडिंग्स जो है वो 25 अप्रैल 2023 तक दे देंगे। अब यहाँ नोटिस इशू हुआ, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो नोटिस इशू हुआ, फिर उसके बाद एफिडेविट्स फाइल किए गए और दोनों काउंसिल से सुनने के बाद कोर्ट ने कंटेंट्स पढ़े सीबीआई के जो एफिडेविट्स थे। अब यहाँ पर कोर्ट ने अपना अपना ऑब्जर्वेशन दिया। देखिए इसमें दो इश्यूज थे जो कंसिडर करने थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के, क्या हाईकोर्ट जस्टिफाइड है एक ग्रांट एड इंटरिम स्टे ऑन अरेस्ट और डायरेक्शंस देना एग्जामिनेशन के लिए सीबीआई को कि कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक प्रिंटेड और रिटन फॉर्म में दिए जाए और जिसमें क्वेश्चन एवर जो है वो मे आल्सो हैंड ओवर टू द फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अभी स्टिल एप्लीकेशन एंटीसिपेटरी बेल की सुननी है। इम्प्यूज्ड ऑर्डर जो है 18 अप्रैल 2023 को पास हो गया था और हाई कोर्ट ने एक एप्लीकेशन एड इंटरिम स्टे की अरेस्ट की पहले ही दे दी थी, मतलब एक हाई कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन डाल दी थी और डिस्पोजल कर दिया गया था हाई कोर्ट ने और एक ऑब्जर्वेशन दिए थे और इसके बाद यहाँ पर बताया कि इस तरह की ऑब्जर्वेशन देना हाई कोर्ट की एक प्रीमेच्योर है, जबकि सीबीआई ने जो एफिडेविट दिया उसके बेसिस पे अपनी ये ऑब्जर्वेशन देना एक प्रीमेच्योर है। और जो सीबीआई ने अपने एफिडेविट में बताया यहाँ से क्लियरली व्यू है कि हाई कोर्ट ने मिस अप्लाइड किया है इटसेल्फ और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो ऑर्डर है वो पास किया है और डायरेक्शंस जो है इशू किए गए। हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं आ सकते हैं और अल्टरनेटिव रेमेडी ले सकते हैं, तो इसलिए डायरेक्शंस देना फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट की अवेलेबल हो फॉर क्वेश्चनिंग अलॉन्ग विद 6 AR 6 6 और 7 जो कि पुलिस कस्टडी में है। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट की वो ऑफिस में आए 19 से 25 अप्रैल पे और क्वेश्चन एंड आंसर्स जो है प्रिंटेड और रिटन फॉर्म में दिए जाए और क्वेश्चन एवर जो है वो हैंड ओवर कर दिए जाए रिस्पॉन्डेंट को। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इस तरह की जो डायरेक्शन देना ऑर्डर देना स्टुल्टिफाई दी इन्वेस्टिगेशन मीन्स इस तरह का एंथ्यूजम जो है वो खत्म हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में और कोई वारंट नहीं है कि डायरेक्शंस दे इन्वेस्टिगेशन की इस तरह से इंटरोगेटेड करें एज ए सस्पेक्ट इन द कॉन्सिक्वेंसी कि प्रिंटेड और रिटन फॉर्म में देना ये टोटली इनएप्रोप्राइट होगा हाईकोर्ट को कि इस तरह के क्वेश्चन एवर जो है वो हैंड ओवर कर दिया जाए रिस्पॉन्डेंट को, तो ये इस तरह की ऑर्डर जो है वो प्रेजुडाइज कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन को और पर्टिकुलरली जब वो स्टेज है अभी सीबीआई को फुली इन्वेस्टिगेट करना है क्राइम को और कई अदर अक्यूज का जो कि चार्जशीट का पार्ट नहीं है उसको भी एग्जामिन करना है, तो यहाँ पर इस तरह के डायरेक्शन देना तो इस अनवारंटेड है, तो इसलिए यहाँ पर माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और साथ में ये कह दिया साथ में डायरेक्शंस भी दी कि जो एप्लीकेशन जो है हाईकोर्ट की वो पेंडिंग है। और यहाँ क्लेरिफाई करते हैं कि जो इस तरह का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो बीच में नहीं आएगा कि वो जब हाईकोर्ट है वो अपनी मेरिट्स पे ही अपनी एप्लीकेशन को इवेल्युएट करेंगे, तो ये इस तरह का जो ऑर्डर आया था 24 अप्रैल 2023 का इसलिए क्रिमिनल अपील को अलाउ कर दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोज बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।